रायगढ़ में मिला विस्फोटक सामग्री बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गुरुवार को पैन की भगवती नदी में विस्फोटक पदार्थ पाया गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को सूचित किया। बम निरोधक दस्ते ने उसे निष्क्रिय कर दिया। आज इलाके की होगी तलाशी। रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घारगे ने कहा कि रायगढ़ के पैन की भगवती नदी में जिलेटिन की छड़ें तैरती हुई पाई गई। इसके बाद बम निरोधक दस्ते द्वारा इसे निष्क्रिय किया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि बम जैसी कोई वस्तु तैरती हुई मिली है। इसके बाद पुलिस ने छानबीन की। छानबीन में पता चला कि यह एक प्रकार की डमी बम था। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले में शुक्रवार को पूरे इलाके की तलाशी लेगी। अगस्त में मिली थी संदिग्ध नाव। बता दें कि इससे पहले अगस्त में रायगढ़ जिले में ही समुद्र में दो संदिग्ध नाव दिखी थी। नाव पर कई हथियार सहित कारतूस और अन्य विस्फोटक सामने मिले थे। नाव मिलने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया। हालांकि इस मामले के बाद में जानकारी दी गई कि नाव रास्ता भटक कर रायगढ़ आ गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने दी थी जानकारी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वह नाव ओमान के मस्कट से होते हुए यूरोप जा रही थी, लेकिन समुद्र में उफान उठने के कारण नाव रास्ता भटक गई और रायगढ़ पहुंच गई थी। जानकारी दी गई थी कि नाव का नाम लेडी हार्ट था।